हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी हॉपशो अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटिस्टिक्स हम ये एट में भी पढ़ते हैं नाइन्थ में तो भी पढ़ते हैं और टेंथ में भी हमने पढ़ा हुआ है ये ठीक है तो हॉपशो आप फैमिलियर रहे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है नहीं है तो एक बार सुन लो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है डेटा को कलेक्ट collect करना कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड देन एनालाइजिंग जो हमने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना एंड देन रिप्रेजेंट करना जो हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था जब हम हिस्टोग्राम बार चार्ट वगैरह बनाते थे क्लियर ओके दैट इज योर स्टेटिस्टिक्स सिंपली मुझे डेटा कलेक्ट करना है मतलब जैसे कि मान लो मैंने आपका एक टेस्ट लिया उस टेस्ट में डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स होंगे उस डेटा को मैं अगर नोट डाउन कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा हूँ मैं एक तरह से डेटा को कलेक्ट ही कर रहा हूँ बट इन स्पेसिफाइड मैं ना ओके द सेकेंड थिंग इज एनालिसिस वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेटिस्टिक्स का एज यूजल आप जानते होंगे कि स्टेटिस्टिक्स बहुत ही वाइडर चीज़ है और बहुत काम आने वाली चीज़ है हाइय स्टडीज़ में स्टेटिस्टिक्स का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है ठीक है और स्टेटस्टिक्स पर आप स्टडी कर सकते हो स्पेशली ठीक है जैसे अब डेटा साइंस हो गया आपका ठीक है बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत काम आता है स्टेटिस्टिक्स ओके okay. तो मैं क्या बोला था एनालाइजिंग करना मैंने डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स देखे या डिफरेंट क्लासेस के मार्क्स देखे उनके बेसिस पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ एनालाइज कर सकता हूँ कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं किस टीचर्स से पढ़ने से बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं किस टीचर के जो पढ़ा रहा है उस क्लास को उसके मार्क्स कैसे हैं या फिर किन चैप्टर्स में अगर मैं सिंपली चैप्टर की बात करूं कि भाई हाँ किस चैप्टर से बच्चों को एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है नहीं जहाँ पे वो मार्क्स नहीं आ रहे हैं उनके और किस चैप्टर में वो बहुत अच्छे हैं तो ये एनालिसिस का पार्ट होता है ठीक है तो वो अभी हम नहीं करते हैं एंड द थर्ड थिंग जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है डाटा को रिप्रेजेंट करना डेटा को रिप्रेजेंट करना हम पहले से जानते हैं जैसे हम ग्राफ बनाते हैं हिस्टोग्राम बनाते हैं एंड मैनीमोम ठीक है जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने किए थे वो चीज़ें हम रिप्रेजेंटेशन में आती थी दैट द सिंपल मीनिंग ऑफ स्टेटस्टिक्स क्लियर ओके क्लियर सो अब बात करते हैं कि हमने अगर मैं बात करूँ सिर्फ टेंथ स्टैंडर्ड की तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी द फर्स्ट थिंग हमने मेन निकालना सीखा था दो तीन मेथड थे हमारे पास मेन निकालने के और वी कैन से एवरेज जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते थे ठीक है सेकेंड चीज़ जो हमने सीखी थी दैट इज योर मीडियन ये हमने निकालना सीखा था एंड थर्ड इज योर मोड ये तीन चीज़ें हमने टेंथ स्टैंडर्ड में निकालने सीखी थी <coughs> क्लियर ओके सो अब अगर आपको याद हो कि ये क्या था दैट इज सिंपली हम इनको बोलते थे कि ये मेरी सेंट्रल टेंडेंसी है और किस लिए यूज करते थे इसलिए कि भाई एक डेटा होता है मेरे पास उसमें से मैं एक सिंगल नंबर निकाल लेता हूँ चाहे वो मेन हो मीडियन हो मोड हो वो एक सिंगल नंबर मुझे उस पूरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है फॉर एग्जाम्पल जैसे विराट कोहली है ठीक है उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं अगर मैं हर मैच का स्कोर बताऊं आपको इसमें हंड्रेड बनाया इसमें टेन बनाए इसमें ट्वेंटी बनाए इसमें टू हंड्रेड बनाए एंड शो ऑन मैन ठीक है उससे क्या मिल रहा है ब्रीफ डाटा नहीं बोल लेकिन वहीं पर मैं जितनी भी विराट कोहली की इनिंग्स है सबके क्या है रन्स जितने उन्होंने स्कोर किए वो लिखे और उनका एक एवरेज निकाल के दे दूँ ठीक है जो कि आप देखते हो इन जनरल कि विराट कोहली का जो एवरेज है वो 60 का है तो ये एक सिंगल नंबर मुझे आइडिया देता है कि वो बैट्समैन कैसा है ठीक है ये एवरेज सिक्सटी मुझे क्या बताता है कि भाई वो बहुत अच्छा बैट्समैन है यहीं पे किसी बैट्समैन की एवरेज अगर ट्वेंटी होती तो मैं सिंपली बोल देता सर वो अच्छा बैट्समैन नहीं है तो दैट इज़ दिस मीन ठीक है ऐसे ही मीडियन के लिए हम बोल सकते हैं मोड के लिए भी चीज़ें होती हैं क्लियर सो ये हम निकालते थे सेंट्रल टेंडेंसी अब बात आती है कि भाई इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे कुछ और चीज़ें सीखने की जरूरत पड़ रही है ठीक है हम निकाल तो रहे थे मैंने एवरेज बता दिया ना बता दिया कि विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है ठीक है सो so, अब ध्यान से देखो कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मान लो मैंने एक 50 मार्क्स का क्या लिया टेस्ट लिया ठीक है दो सेक्शन है मेरे पास सेक्शन ए एंड बी और मैं सिंपली छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं पांच पांच स्टूडेंट में ले लेता हूं तो सेक्शन ए में मान लो पहले बच्चे के जीरो फेल हो गया फाइव मार्क्स आए ठीक है और कैन से फोर्टी आए फिफ्टी आई एंड फिफ्टी आई अब चार भी स्टूडेंट ले सकते हो पाँच लगता है ठीक है ये पांच स्टूडेंट के स्कोर हैं आउट ऑफ फिफ्टी सिमिलरली सेक्शन बी है मेरे पास और वहां जो सेक्शन बी का स्कोर है दैट इज योर लेट बी इट इज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड फोर्टी लेट बी द स्कोर इज दिस बी लाइक दैट क्लियर तो ये सेक्शन ए के मार्क्स जो है ये हैं सेक्शन बी के मार्क्स ये है मेरे अब मैं आपसे पूछूं कि सेक्शन ए का एवरेज क्या है क्या आपको इसका मेन निकालना आता है किस टाइप का डाटा है ये मेरा ये मेरा अनग्रुप डाटा है यानी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए मैं मार्क्स बता रहा हूं तो ये इस किस टाइप का डाटा होता है ये मेरा अनग्रुप डाटा होता है क्लियर अगर ये मेरा अनग्रुप डाटा है तो इसका मैं एवरेज कैसे निकालता हूं बहुत सिंपल सा तरीका था हमारे पास कि सबके मार्क्स को एड कर दू ठीक है सम ऑफ द वैल्यूज

सिमिलरली अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो ध्यान से देखो इनका सम भी क्या है फोर्टी प्लस टू ट्वेंटी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑल्सो फाइव सो एवरेज इज थर्टी तो ध्यान से देखो मैंने दो सेक्शन की बात की और दोनों सेक्शन का एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं थर्टी थर्टी आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि दोनों सेक्शन सेम है ठीक है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया दे विराट कोहली का कि विराट कोहली की एवरेज भी सिक्सटी है और एक और बैट्समैन भी मान लो उसकी भी सिक्सटी है क्या दोनों बातें सेम ही है ठीक है सेम कंडीशन से मतलब ये दो बैट्समैन एक तरह से मान के चलो जिनका एवरेज थर्टी थर्टी का है लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ध्यान से देखो कि अगर ये पांच स्टूडेंट हैं तो अब ध्यान से देखो कि दो स्टूडेंट इस क्लास में ऐसे हैं जो हंड्रेड परसेंट फेल है और बाकी के तीन स्टूडेंट क्या हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट आते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहीं पे अगर मैं बात करता हूं सेक्शन बी के बारे में तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये पांचों स्टूडेंट क्या है एवरेज से स्टूडेंट है ना तो कोई फेल हो रहा है लेकिन ना ही किसी बच्च, कोई बच्चा ऐसा है जिसके फिफ्टी अपि ठीक है थीके? तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि दोनों यानी इस नंबर के हिसाब से तो मेरे पास दोनों सेक्शन बराबर के हैं ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है लेकिन यहां पे दिक्कत हो रही है यानी अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो फर्स्ट सेक्शन ए के मार्क्स की स्कैटरिंग बहुत ज्यादा है फैल गया डेविएशन बहुत ज्यादा आ गया मेरे पास कि एवरेज तो थर्टी है लेकिन अब यहीं पे बच्चा जीरो वाला भी है और फिफ्टी वाला भी है सिमिलरली इन द सेकेंड वन यहाँ स्कैटरिंग कम है यहाँ पे ट्वेंटी यानी थर्टी के इर्द गिर्द ही जो एवरेज है उसी के इर्द गिर्द रहे मतलब सारे बच्चे एवरेज हैं ओवरऑल ठीक है और, और, और एक और चीज मैं अगर बोलू कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया ठीक है पहले मैंने सेक्शन ए को दिया क्वेश्चन ठीक है बोर्ड पर बोलते सॉल्व करो तो देखो ये दो स्टूडेंट हंड्रेड परसेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिनको 0, 5 है, और ये वाले हंड्रेड परसेंट उसको सॉल्व कर देंगे कोई दिक्कत नहीं बट इन सेक्शन बी अगर मैं एक क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन एवरेज और बिलो एवरेज हुआ तो ये सारे सॉल्व कर देंगे बट अगर मैंने बहुत टफ क्वेश्चन बोल दिया ठीक है तो यहाँ पे कोई टॉपर टाइप का बच्चा नहीं है इसका मतलब हंड्रेड परसेंट वो इसको नहीं कर पाएंगी तो दैट इज द डिफरेंस इसीलिए मेरा मीन और मीडियन या मोड से काम नहीं चल रहा था तो हमें क्या करना पड़ा तो हम एक नई चीज करते हैं दैट इज योर डिस्पर्जन क्या सीखेंगे हम डिस्पर्जन निकालना डिस्पर्जन और वी कैन से वेरिएबिलिटी मतलब क्या है ठीक है वैसे तो वेरिएबिलिटी वर्ड से समझ गया होगा अल्टीमेटली मैं बात स्कैटरिंग की ही कर रहा हूं कि भाई जो मेरा एवरेज है उसके

डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी में भी हम क्या निकालेंगे एक सिंगल नंबर ही निकालेंगे ठीक है जो कि मुझे पूरे डेटा के बारे में बताएगा कि भाई ये किस तरह का डेटा है या प्रैक्टिकल में इसका क्या है है ठीक सो दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम उसको बोलेंगे ठीक है और वेरिएबिलिटी क्लियर यहां तक ओके okay. अब इसके अंदर डिस्पर्जन के अंदर मेरे पास चार चीजें आती है वैसे एक चीज जो हमारे सिलेबस में नहीं है हम नहीं पढ़ेंगे तीन चीजें हैं द फर्स्ट वन इज योर रेंज पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे रेंज अब दिमाग में सर ये तो हम टेंथ में पढ़ चुके हैं बिल्कुल पढ़ चुके हैं और वही है कुछ अलग नहीं है ठीक है तो ये कुछ सेकेंड्स का टॉपिक है द सेकेंड थिंग हम जो पढ़ेंगे दैट इज योर मीन डेविएशन क्या पढ़ने वाले भाई मीन डेविएशन ठीक है एंड द थर्ड इज योर डेविएशन ठीक है ये तीन चीजें जो है इलेवेंथ स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंडर और चौथी चीज हमारी होती है क्वारटाइल डेविएशन जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे चीजें क्लियर होप्स यहां तक चीजें क्लियर है ठीक है तो डिस्पर्जन वेरिएबिलिटी अल्टीमेटली हम क्या मेजर करने वाले हैं कि भाई डाटा कितना स्केटर्ड है कितना फैला हुआ डाटा है ठीक है कि एवरेज के इर्द गिर्द है कि नहीं है डेविएशन कितनी है उसी की हम बात करेंगे क्लियर ओके तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज योर रेंज ठीक है बहुत ही आसान सा टॉपिक ठीक है फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन मैंने सेक्शन ए के मार्क्स लिखे हुए अनग्रुप डाटा यहां पे अगर मुझे इस डाटा की रेंज चाहिए तो क्या होगी ध्यान से देखो ठीक है रेंज का फॉर्मूला हम सबको पता है सिंपली इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू यानी कोई भी डेटा मेरे पास है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर रेंज ऑफ दैट डेटा तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर फिफ्टी माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है इट योर रेंज इज अगर मैं यहीं पे सेक्शन बी की बात करता हूं तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर फोर्टी मिनिमम वैल्यू क्या है ट्वेंटी योर एवरेज इज सॉरी इज योर रेंज इज ट्वेंटी यहां पे रेंज है फिफ्टी यहां पे रेंज है ट्वेंटी तो ये क्या बता रहा है मुझे कि भाई सेक्शन ए में जो मार्क्स है वो स्केटर है ज्यादा फैले हुए हैं भाई ठीक है फेल वाले बच्चे भी पास वाले भी वहीं पे इन सेक्शन बी मुझे ऑब्जर्व है है कि कम है, मतलब सारे बच्चे एवन एवरेज बच्चे एन एवरेज ही हैं क्लियर क्लियर इज सो दैट्स योर रेंज अब किसी भी टाइप का डेटा आपके पास हो रेंज निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू उठाओ मिनिमम वैल्यू उठाओ दोनों का डिफरेंस निकाल दो दैट इज योर रेंज क्लियर क्लियर सो चीजें क्लियर तो पहला पार्ट आपका हो चुका ठीक है आसान है बहुत आसान है अब बात करते हैं हम मीन डेविएशन की जिसको हम एवरेज डेविएशन भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं भाई एवरेज डेविएशन भी बोल देते हैं और इसी को हम एब्सोल्यूट मीन डेविएशन भी बोल देते हैं ठीक है और मीन डेविएशन को हम कैसे डिनोट करेंगे कैपिटल एम और D से। ऐसे डिनोट करते हैं मीन डेवेशन को अब ये जो मेन डेवेशन होती है ये मेरी क्या होती है अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन होती है इसका क्या मतलब है अभी बात करेंगे रुको एक बार ठीक है तो मीन डेवेशन जो है मेरी मेन के अबाउट भी हो सकती है और मीडियन के अबाउट भी हो सकती है सिंपली मैं में बोलू डेवेशन मतलब एक नंबर्स है उससे कितना आप ऊपर या नीचे जा रहे हो स्कैटरिंग कितनी है उसी की बात कर रहे हैं वो डेवेशन है तो वो नंबर मेन भी हो सकता है वो नंबर मीडियम भी हो सकता है जिसके अबाउट आप देख रहे हो चीजें कि भाई मीन से कितना ऊपर या कितने नीचे जैसे मैंने यहां पे बोला कि एवरेज मेरा थर्टी है अब थर्टी से कितना नीचे है या कितना ऊपर है तो ये मैंने मीन के बारे में बात की यहीं पे मैं इसका मीडियन भी निकाल सकता जैसे इसका मीडियन क्या मिलता है मुझे फोर्टी फाइव तो इस मीडियन से कितना अप या डाउन है दैट दैट इज इज द डिफरेंस बिटवीन मीन मीन डिविशन अबाउट मीन एंड मीडियन तो इसको हम ब्रीफली देखते हैं आज हम सिर्फ बात करेंगे मीन के बारे में कि मीन मीन डेविएशन अबाउट नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मीडियन की बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं अगर आपको पहला पार्ट आ गया ना तो मीडियन वाला तो दस मिनट का काम भी नहीं है ठीक है है तो फर्स्ट बात करते हैं कि मीन डेविएशन होती क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है तो इस चीज को मैं हटा देता हूं और एक क्वेश्चन ले लेते ले हैं उससे हम सीखते हैं कि मीन डेविएशन कैसे निकाली जाती है और ठीक है और क्या पर्पज आप पहले पता चल है कि मीन डेविएशन हम क्यों निकालना है ठीक है उसकी बात करते हैं तो इसको एक बार हटाता हूं मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं एंड देन मूव करते हैं मेन डेविशन के ऊपर तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है मतलब कोई डेटा है जो कलेक्ट किया है इसके लिए मुझे क्या निकालना है मेन डेविएशन निकालना है किसके अबाउट अबाउट मीन ठीक है मीन डेविएशन अबाउट मीन ठीक है तो मीन यू मीन बाय डेविएशन मैंने बताया कि, कि एवरेज नंबर से कितना आप डेवेट कर रहे हो कितना स्कैटर कर रहे हो कितना कम या ज्यादा हो रहे हो हो दैट इज योर सिंपल ओके मीन 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 अब आगे लग गया तो यानी जो आप कर रहे हो, उसका या उसकी एवरेज की बात कर रहे हैं ठीक है अबाउट मीन ये सिर्फ वो बता रहा है कि किस नंबर के अबाउट आप डेवेट कर रहे हो जो चीजें देख रहे हो तो अल्टीमेटली इस वर्ड से मुझे ये चीज समझ में आती है कि मीन डेवेशन इज जस्ट टिक मीन अगेन मेरा मीन ही है लेकिन किसका ठीक है किसका डेवियशन का और किसके अबाउट द नंबर इज मीन मीन यानी से आप कितना ऊपर या नीचे मेरे नंबर जा रहे हैं उन नंबर्स का अगर मैं एवरेज या मीन निकाल दूं तो दैट इज योर मीन डेविएशन होप सो समझ में आया नहीं आया तो इस क्वेश्चन को करो समझ में आ जाएगा देखो ध्यान से सबसे पहला काम अगर मैं बात कर रहा हूं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए भाई पहली बात मुझे मीन चाहिए ना ठीक है तो क्या मुझे मीन निकालना आता है सो so, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये डेटा किस टाइप का है किस टाइप का डेटा आपको दिख रहा है दिस इज योर अनग्रुप डेटा अगर आपको समझ में आ गया तो ये मेरा क्या है अनग्रुप डेटा है और डेटा मेरा कितना टाइप का होता है एक ग्रुप्ड होता है और एक होता है अनग्रुप डेटा ग्रुप की हम बाद में बात करेंगे पहले हम अनग्रुप्ड से रिलेटेड सीखते हैं कि मेन डेवेसिड इसका कैसे निकाला जाता है ठीक है दिस इज़ योर एन ग्रुप डेटा कोई ग्रुप नहीं बने हुए इसमें ठीक है सो ये क्या है मेरा अनग्रुप डेटा है तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मुझे इस डेटा का मेन निकालना हो जिसको हम किससे डिनोट करते हैं एक्स बार से तो कैसे निकालोगे ठीक है मीन निकालना हो किसी भी डेटा का उसका मेन कैसे निकालते हैं इट्स सिंपली हम लिखते हैं सम ऑफ आइटम्स और सम ऑफ वैल्यूस डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला होता था या फिर सिंपली हम इसको बोलते थे जल्दी हम फॉर्मुले कोई मतलब XI में किसको बोल रहा हूं दिस इज ये आई की वैल्यू वेरी करेगी दिस इज योर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड शो ऑन ठीक है अपटू कितने तो ये रहेगा सो so, एवरेज कैसे निकालते हैं एक्स बार इज समिशन ऑफ एक्सआई यानी इन सबको ऐड कर लो तो यानी मैं सिंपली लिखूंगा कि एक्स बार मेरा सिंपली क्या होगा सर थर्टी सिक्स प्लस सेवनटी टू प्लस फोर्टी सिक्स और ये चीजें हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं अर्लियर क्लासेस में सो होप शो ये आपको पहले से पता होगा नहीं पता तो पता चल रहा होगा ठीक है होल डिवाइड बाय ये जितनी भी टर्म्स थी मैंने लिख लिया ठीक है अब काउंट कर लो कितनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो इट मीन्स डिवाइड बाई टेन ठीक है ऊपर वालों को ऐड करो टेन से डिवाइड कर दो यू चूकेट योर आंसर इजी इट्स वेरी इजी सो ऐड करो ऊपर ठीक है होप शो सिक्स प्लस टू एट एट प्लस सिक्स फोर्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर थर्टी एंड टेन फोर्टी सो जीरो एंड कैरी फोर ठीक है अब बाकी को ऐड करते हैं फोर वो हो गया सेवन फोटीन एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट थर्टी टू थर्टी सेवन एंड दिस इज फोर्टी वन फोर्टी वन प्लस फोर्टी फाइव एंड फाइव फिफ्टी दिस इज योर फिफ्टी डिवाइड बाय टेन इज एज इट इज़ सो इट मीनस योर आंसर इज फिफ्टी तो अगर मैं आपसे टेंथ स्टैंडर्ड में होते हम तो हमसे सिर्फ इतना पूछा जाता कि फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा तो मेरा आंसर यहां पे खत्म हो चुका था मैंने सब टर्म्स को ऐड किया और जितने नंबर ऑफ टर्म्स थी उससे डिवाइड कर दिया यू गेट योर मेन ऑफ द डेटा क्लियर इट्स क्लियर लेकिन अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं और हमें क्या चाहिए हमें मेन नहीं निकालना हमें मीन डेविएशन निकालनी है अबाउट मेन तो वो कैसे निकाली जाएगी वो देखते हैं तो होप शो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है एक बार मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए सो so, और इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज योर फिफ्टी एंड दिस इज योर एक्स बार सिंपली क्लियर तो ये मेरा निकल गया मीन अब मैं इस डेटा को अरेंज करके लिखता हूँ यानी मेरा जो एक्स आई है इसको ऐसे लिखता हूँ द फर्स्ट टर्म इज थर्टी सिक्स सेवेंटी टू फोर्टी सिक्स फोर्टी टू सिक्सटी फोर्टी फाइव फिफ्टी थ्री फोर्टी सिक्स फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी वन सो ये मैंने जितने भी नंबर्स थे टेन थे टेन के तने ऐसी चीज़ लिख दी पहली चीज़ क्लियर ओके द नेक्स्ट थिंग इज हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल डी आई मतलब डेविएशन मतलब क्या है डेविएशन डेविएशन किससे से भाई मीन से तो इसको कैसे डिनोट करेंगे इसको लिखेंगे हम एक्स आई माइनस एक्स बार व्हाट डू यू मीन बाय एक्स आई अभी अभी मैंने बताया ये मेरे एक्स आई तो है ठीक है एक्स आई इसलिए मैंने लिखा सो दिस इज योर आई की वैल्यू जब वन होगी दिस बिकम एक्स वन दिस बिकम एक्स टू दिस बिकम एक्स थ्री वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती जस्ट समझाने के लिए चीजें ठीक है, सो so, अब मैं निकाला हूं एक्स आई माइनस एक्स वॉट इट मींस एक्स बार इज योर मीन और एक्स आई मतलब मेरा जो डेटा मैंने कलेक्ट किया ठीक है उसका हर एक जो वैल्यूज है उनका मेरे मीन से कितना डिफरेंस है वही तो डेविएशन होगा ना कि यहां पे 50 है भाई ठीक है और पहला नंबर है 36 तो मेरा डेविएशन कितना है ये वाला यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर डेविएशन क्लियर और नॉट इट इज क्लियर ऑप्शन ठीक है फाइंड इट सो पहला नंबर है मेरे पास 36 50 ठीक है 36 50 कितना बचेगा माइनस का 14 क्लियर ओके द नेक्स्ट इज योर 72 50 करो क्या मिलेगा 22 प्लस का 46 50 अब ध्यान रहे x बार को सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं x से ठीक है तो 46 50 यू गेट माइनस का 4 और आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली सबट्रेक्ट करके लिख सकता हूँ जैसे फोर्टी टू माइनस फिफ्टी करोगे तो गेट माइनस का एट सिक्सटी माइनस फिफ्टी गेट टेन फोर्टी फाइव माइनस फिफ्टी माइनस का फाइव फिफ्टी थ्री माइनस फिफ्टी गेट प्लस का थ्री फोर्टी सिक्स माइनस फिफ्टी दैट माइनस का फोर फोर्टी नाइन माइनस फिफ्टी माइनस का वन एंड फिफ्टी वन माइनस फिफ्टी दैट इज वन सो ये आ गई मेरी डेविएशन यहां तक चीजें क्लियर ओके क्लियर नेक्स्ट थिंग इज क्या अब मुझे अब मैंने क्या बोला देखो मीन डेविएशन जब मैंने आपको समझाया तो मैंने क्या बोला मीन मतलब एवरेज या मीन जो हम बोलते हैं किसका deviation का? So ये क्या है मेरी डेविएशन ही तो है किससे मीन से अबाउट मीन तो मैंने जो मीन के अबाउट डेविएशन निकाली ये मेरी डेविएशन है चीजें समझ में आई कितना स्कैटर हो रहा है कि भाई 36 जो है वो 50 से माइनस फोर्टीन कम है ये वेरिएशन है, है? है, है, है? है. तो है, ना, तो मुझे आता ना? इन सबको एड कर यस yes no? yes. लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन होना हो, कि मेरी कुछ इस तरह से आगे मान लो कि भाई माइनस फाइव जीरो और फाइव तो मैं इनको जब ऐड करूंगा तो इसका सम क्या जीरो तो अब ये बताओ मेरे को जब सम जीरो है और उसकी मैं एवरेज निकालूंगा नीचे जाए कितने एक और चीज बताया कि मेन डेविएशन को हम बोलते हैं मीन तो में जो हमें मतलब है वो है कि ये डेविएशन कितनी है ना कि इस चीज से मतलब है कि कितना नीचे है एवरेज से या कितना ऊपर है एक्चुअली मुझे सिर्फ ये मतलब है कि वो जो मीन है उसके ऊपर या नीचे कितना हो रहा है इसका मतलब मुझे सिर्फ इसकी एप्सोल्यूट वैल्यू चाहिए इट मीन मैं ये जो वैल्यू है इसकी सिर्फ एप्सोल्यूट वैल्यू लूंगा हमेशा ठीक है एप्सोल्यूट मीनस मुझे साइन से कोई मतलब नहीं सारी so, है सारी वैल्यूज पॉजिटिव लो सो दिस बिकम यूर माइनस फोर्टीन है तो फोर्टीन ट्वेंटी टू फोर एट टेन फाइव थ्री फोर वन वन चीजें क्लियर सो so, अब अगर मैं ऐसी वैल्यूज लूंगा तो अब मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइव प्लस फाइव इज टेन तीन वैल्यू है तो योर एवरेज इज टेन बाई थ्री क्लियर सो क्या चीजें समझ में आई तो डेफिनेशन से मैंने क्या सीखा था मेन डेविएशन अबाउट मीन मतलब मुझे मीन निकालना है किसका डेवियशन का किसकी डेविएशन कहां से तो वो जो फिक्स पॉइंट है दैट इज योर मीन तो मैंने मीन से जो मेरे डेवियशंस थी वो निकाली उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन डेविएशन तो अब से मुझे एक सिंपल सी चीज़ समझ में आती है कि मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा से मीन डेविएशन का दैट इज योर ऑफ ऑफ बार एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज नंबर ऑफ एटम्प जो आप बोला चाहो बोल सकते हो क्लियर सो दैट इज योर फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन ध्यान देने वाली बात है दिस डेटा इज योर अनग्रुप डेटा सिर्फ हम अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं क्लियर नाउ फाइंड इट ये इन सब का सम निकाल सकते हैं निकालो फटाफट से 14 प्लस ट्वेंटी 58, 58, टू तो okay? so कितना ट्वेंटी सिक्स एट करोगे तो सिक्सटी सिक्स एंड सेवेंटी टू इज दे सो ये समिशन कितना आया मेरा दैट इज यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अगेन द सेम एट सो योर आंसर इज सेवन पॉइंट टू दैटर Clear? That's it. So, कोई भी अनग्रुप अगर मेरे पास है उनका मुझे मीन डेविएशन निकालना है ठीक है वैसे तो word से ही मुझे इसकी यानी यानी इसका formula मिल रहा है कि deviation का average निकालना है और deviation किसी है कि का निकालना और जब मैंने मैंने बोला about mean. जो मेरा mean मैंने निकाला उससे मेरे मार्क्स कितने डेविएट कर रहे हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो उसका मीन निकाल दो. मीन डेविएशन अबाउट मीन भी मिलता है आप आराम से कर सकते उसको कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी क्लियर यहां तक क्लियर है ओके okay. ठीक है सो द नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मुझे मिलता है ग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में मैंने दो टाइप के बताए आपको ग्रुप डेटा दो टाइप के होते हैं आपके द फर्स्ट वन इज योर डिस्क्रिप्ट एंड द सेकेंड वन इज योर कॉन्टिन्यूस ठीक है कॉन्टीन्यूस मतलब जैसे वो देखते हैं जी हमें लिखा क्लास इंटरवल्स मिलते थे जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी वो मेरा कॉन्टीस होता है और डिस्क्रीट में इस टाइप की वैल्यूज ही मिलेगी आपको बट द फ्रिक्वेंसी इज डिफरेंट मींस फोर्टी सिक्स अब एक ही बार आया ठीक है अनग्रुप डेटा के अंदर बट इन केस ऑफ ग्रुप डेटा द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्टी सिक्स मतलब फोर्टी सिक्स क्या है एक से ज्यादा बार भी आपको मिल सकता है ठीक है तो अब हम नेक्स्ट करेंगे कि डिस्क्रीट अगर मुझे डेटा गिवन हो तो उसके अंदर मैं क्या निकाल सकता हूं मेन डेविएशन कैसे निकालूंगा उसकी बात करते हैं क्लियर तो इसको मैं हटाता हूं एक नया क्वेश्चन लिखते हैं और हम निकालते हैं मेन डेविएशन ऑफ डिस्क्रिट डेटा और डिस्क्रिट ग्रुप डेटा देखो भाई नेक्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा ठीक है तो डिस्क्रीट डेटा मैं बता दूं कि क्या होगा जैसे यहां पे टू है तो उसकी फ्रीक्वेंसी की टू टाइम्स तो अनग्रुप डाटा अगर यही होता तो कैसे मिलता है कि मेरे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल टू को आप टू टाइम्स लिखते देन फाइव को एट टाइम्स लिखते सिक्स को टेन टाइम्स लिखते हैं ठीक है तो बहुत लेंथी हो जाता ना उसके कंपेरिटिवली हमने एक चीज को आसान बनाया और जो मेरा अनग्रुप्ड डेटा था उसको ग्रुप्ड में चेंज कर लिया हमने वी कैन से ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा ठीक है कि टू कितने टाइम्स है एट टाइम्स कितने टाइम्स है टाइम्स दैट इज इज योर योर तो दिस एक्स मार्क्स जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क्स एफ योर फ्रीक्वेंसी कि कोई नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहा है क्लियर सो दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा क्लियर यहां तक ओके ये फॉर्मूला मैंने एज इट इज रहने दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझें जैसे मैंने मेन डेविएशन को समझा दिया आपको वैसे ही हम इसके लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे और अपने आप से बनेगा नो प्रॉब्लम ठीक है सो so, हम एक्चुअली में सीख रहे हैं मेन डेविएशन अबाउट मीन निकालना मीन के अबाउट मेन डेविएशन निकालना हम क्या है सीख रहे हैं तो सबसे पहला काम मुझे ये आना चाहिए जैसे मैंने अनग्रुप डाटा का मीन निकाला वैसे ही मुझे डिस्क्रिट डेटा के लिए भी मीन निकालना आना चाहिए तो कैसे निकालते हैं भाई क्या आपको याद है बिल्कुल सर हमारे पास सबसे वैसे देखो मीन निकालने के अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड में तीन मेथड होते थे, थे जिसमें से एक हमारे सिलेबस में नहीं है और उसको करने की जरूरत भी नहीं होती ठीक है, है कौन कौन सी तीन मेथड थे फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट ठीक डायरेक्ट मेथड जिससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे सेकेंड कौन सा होता था अज्यूम्ड मीन मेथड जो कि आई थिंक अब सिलेबस में नहीं है हमारे टेंथ क्लास में एंड द थर्ड जो होता था वो स्टेप डेविएशन होता था ठीक है तो जो हम इलेवंथ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं मैं डायरेक्ट से भी करवाऊंगा आपको और स्टेप डेविएशन से भी करवाऊंगा ठीक है अज्यूम्ड मीन वाला मेथड हम नहीं करेंगे वो वैसे मैं प्रीफेर नहीं करता था क्योंकि वो स्टेप डेविएशन का ही एक तरह से बोल दो पार्ट है और थोड़ा सा बोल दो कि चीज़ों को ज़्यादा ईजी बनाने के लिए हम स्टेप डेविएशन करते हैं और थोड़ा सा कम करने के लिए सिर्फ हम कर लेते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड ठीक है तो नेक्स्ट जब हम कंटिन्यूस ग्रुप डाटा भी कर लेंगे फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि हम उससे भी मेन कैसे निकाल सकते हैं ठीक है बाकी मेन डेविजन के लिए सेम प्रोसेस रहेगा <coughs> तो सबसे पहली बात करते हैं कि इसका मैं मेन कैसे निकालू तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते थे अगर आपको याद हो कि मेन ऑफ अनग्रुप्ड डिस्ट्रिक्ट सॉरी ग्रुप्ड डिस्ट्रिक्ट सॉरी ठीक है क्या निकालते ग्रुप्ड डिस्क्रिक्ट डाटा डेटा जो होता था मेरे पास उसका मेन कैसे निकालते थे इट्स वेरी इजी द समिशन ऑफ

मीन्स समिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी सो ये तो मुझे डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा कि सबमिशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू इन सबको ऐड कर दो टेन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी सेवन दिस बिकम योर थर्टी फाइव एंड फोर्टी तो मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर फोर्टी दिया ओके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स नोट एट ओके क्लियर द नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए एक्स आई एफ आई ठीक है मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सो फाइंड इट एक्स आई एफ आई और एफ आई एक्स आई डर सो मीन टू मल्टीप्लाई टू बाई टू यू गेट फोर फाइव एट फोर्टी सिक्स इंटू टेन सिक्स टेन इंटू एट दैट इज एटी ट्वेल्व फाइव जाट इज अगेन सिक्सटी क्लियर इट इज क्लियर ठीक है तो मीन कैसे निकालते हैं सबमिशन ऑफ एफ आई मैंने डायरेक्टली बता दिया देन मुझे चाहिए एफ आई एक्स आई मैंने एफ आई एक्स आई निकाल लिया अब मुझे इसका सबमिशन चाहिए ऑफ so, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बार बार बोल रहा हूं जस्ट देम। देखो ये हंड्रेड हो गया ठीक है और ये ये इसमें ऐड तो हो जाएगा सो तो स्टेटस्टिक्स so, वैसे बहुत आसान चीजें रहती है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन की ध्यान रखनी पड़ती है मुझे ये कैलकुलेशन आप सही से करो तो यहां तक चीजें क्लियर किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए ठीक है समिशन ऑफ एक्स आई एफ आई मेरे पास है समिशन ऑफ एफ आई मेरे पास है सो जस्ट फाइंड द एवरेज और मीन सो समिशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या निकला मेरा थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इज फोर्टी सॉल्व जीरो कैंसिल आउट सो दिस इज योर टू सो दिस बिकम योर फिफ्टीन सो दिस इज योर फिफ्टीन बाई टू और वी कैन सेवन पॉइंट फाइव सो so, मेरा जो एवरेज निकल गया है वो क्या आया 7.5 पॉइंट फाइव यस और नो क्लियर यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ठीक है तो मीन निकालने का प्रोसेस तो पहले भी हमें वैसे आता था ठीक है या मीन निकालने तक तो चीजें वही रहती है अब द थिंग जो मुझे निकालनी होती है वो निकालनी होती है डेविएशन और डेविएशन क्या होता है इट्स सिंपली एक्स आई माइनस एक्स बार कि भाई हर एक सॉरी हर एक जो डेटा है मेरा ठीक है हर एक वैल्यू जो है वो मीन से कितना डेवेट कर रही वो है वो निकालना है तो फर्स्ट वन इज योर टू माइनस सेवन पॉइंट फाइव मैंने पहले बोला था कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं सिर्फ मैं समझाने के लिए चीज लिख रहा हूं अदरवाइज मुझे डायरेक्ट रिजल्ट लिखना इनका क्या है तो दिस इज योर माइनस फाइव पॉइंट फाइव नेक्स्ट इज फाइव माइनस सेवन पॉइंट माइनस का टू पॉइंट लिख दू डायरेक्टली सिक्स माइनस सेवन पॉइंट फाइव यू गेट माइनस काट माइनस सेवन पॉइंट जीरो पॉजिटिव टेन माइनस सेवन पॉइंट फाइव यू गेट टू पॉइंट फाइव पॉजिटिव ठीक है ट्वेल्व माइनस सेवन पॉइंट फाइव यू गेट फोर पॉइंट फाइव क्लियर दैट्स इट हो गया सो नंबर ऑफ एल इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है मतलब मैंने सबका कर दिया थ्री एंड थ्री सिक्स आ गया ओके सो वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप यू है सम देर इज अ प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है सर पहली बात तो ये जो है एप्सल्यूट वैल्यूज नहीं है तो एज एजिल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें क्या करना है यहाँ पे एप्सल्यूट वैल्यू ही चाहिए ये मीन वाला फॉर्मला हटा दो भाई होप होपशोप क्लियर है तो पहली बात मुझे यहाँ से एप्सल्यूट वैल्यू निकालनी है तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालो दिस बिकम योर यूर फाइव पॉइंट फाइव दिस बिकम योर टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव एंड फोर पॉइंट फाइव कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए ओके okay. अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी आ सकता है सर मैं ये जो काम कर रहा हूं उसकी बजाय अगर मैं डायरेक्टली यहां पे चला जाऊं तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है वो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस एक्चुअली दिस इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू टू द मीन डिफरेंस मींस डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करने की बात और डिफरेंस की बात अलग अलग है जब मैं आपसे बोला कि दो के बीच का difference, difference है, है। मैंने लिख दिया, तो इट इज ऑलवेज ए डिफरेंस मीन हमेशा पॉजिटिव होगा तो आप डायरेक्टली यहां पर भी जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं क्लियर ओके अब क्या था मेरे पास जो मैंने अन डेटा किया वहां पे मेरे पास ये था मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला ठीक है

ठीक है, है। so, फॉर्मला क्या FI -XI FI. Yes no? ये मेरा मीन निकालने का था अब मैं मीन ही निकाल रहा हूं निकाल में मीन ही रहा हूं लेकिन किसका ये जो डेविएशन आई इसका निकाल रहा हूं तो अब मैं अगर इन चीजों को भूल जाऊं इन चीजों को भूल जाऊं इसको, इसको एक्स आई की तरह ट्रीट करूं ये मेरा एफ आई है तो किस टाइप का डाटा है डाटा है, इसका मीन कैसे निकालते हैं सर पहले निकाला जाता है मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सो so, मल्टीप्लाई करो अब इनको क्या मिलेगा देखो एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स पार ठीक है तो ये मैं एक बार हटा रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए चीजें क्लियर ये फॉर्मूला मैं दोबारा लिख दूंगा नीचे करने के बाद चीजें क्लियर तो डिस्क्रीट वैल्यूज में क्या डिफरेंस आया डेवेशन एज एच जैसे हम पहले निकाल रहे थे मेन निकालना हमें पहले से ही आता है रिवाइज हमने कर लिया ठीक है डेविएशन निकालना भी हमें पहले से आता है वो भी हमने रिवाइज कर लिया बट डिस्क्रीट डाटा में एक नई चीज है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी तो मुझे मतलब क्या है ये डेविएशन सिर्फ एक नंबर की नहीं है दो नंबर्स की है ये जो 2.5 डेविएशन है ये कितने टाइम्स है एट टाइम्स है सर क्योंकि फाइव भी मेरा एट टाइम्स है ठीक है दैट्स वाई वी आर गोइंग टू फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स पार फाइंड इट

and the last 5 into 45. 5 5 is 25. Carry 2. 20 plus 2. 22. Clear? So now we are going to find the summation of fi mod of xi minus x bar. What do decimal give Decibel 5 plus 5, 10. So 0 carry 1. 12? 12, 12 plus 20. 32. 32 plus 15. This become your 37, 47. 50. 50 प्लस 20, 70 एंड दिस बिकम 92. सो नाइन्टी टू दिस इज सिंपली 92. व्हाट इज दिस दिस इज योर समिशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो अभी मैंने बताया था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन मीन डेविएशन अबाउट मीन अब हम इसको ऐसे लिखेंगे का फॉर्मूला क्या था सिंपली समिशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय समिशन ऑफ ई सिंपली ठीक है दैट इज द एवरेज. सो ऊपर वाला डेटा मैंने अभी भी निकाला दैट इज योर नाइनटी टू होल डिवाइड बाय एफ आई समिशन ऑफ एफ आई जो पहले आया था दैट इज फोर्टी सिंपली. ठीक है सॉल्व कर लो इस जीरो के लिए यहाँ डेसिमल लगा दो इसको डिवाइड कर दो फोर से फोर टू जाट फोर थ्री जाइंट थ्री इज योर आंसर फो दिस क्लियर दैट्स इट सो डिस्क्रिक डेटा के लिए क्या नया आया मेन निकालना हमें पहले से आता है यहां तक तो सेम प्रोसेस रहेगा जो पेरा पहले था ठीक है नई चीज़ डेवेशन निकालना हमने अनग्रुप डेटा में सीखा सेम प्रोसेस रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता एब्सोल्यूट वैल्यू में तक कोई दिक्कत नहीं है एक नई चीज़ जो ऐड होगी मुझे दिख रही है फ्रीक्वेंसी तो अब जब एक चीज़ ध्यान रखो यहां पे सीख मतलब याद रखने का तरीका बोलो कुछ भी बोलो इजी बनाने के लिए चीज़ें मुझे मेन डेविएशन मतलब डेविएशन का मेन निकालना है सो इसको ना एक्स आई की तरह ट्रीट करो ठीक है अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दिख रही है तो ये मेरा डिस्क्रिक डेटा की तरह ट्रीट हो रहा है ठीक है तो डिस्क्रिक डेटा का क्या मीन निकालना आता है मुझे ये आता है अभी निकालना है, तो निकाला सेम प्रोसीजर फॉलो कर दो एक्स आई एफ आई निकालो मैंने निकाल दिया उनका सम करो और नंबर ऑफ जो आइटम्स थे उनसे डिवाइड कर दो दैट यू गेट योर आंसर सो दैट इज योर डिस्क्रिक डेटा कि डिस्क्रिट डाटा का मेन डेविएशन कैसे निकाला जाता है और मीन कैसे निकाला जाता है क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं ये डिस्क्रिट की बजाय अगर मेरे पास डेटा कैसा हो कॉन्टिन्यूस तो उसका मेन डेविएशन हम कैसे निकालेंगे एंड देन हम बात करेंगे जो मेरा शॉर्टकट मेथड है उसकी भी ठीक है और वी कैन से शॉर्टकट मेथड मतलब स्टेप डेविएशन सॉरी ठीक है मेन निकालेंगे तीन तरीके थे ना मेरे पास ठीक है पहला डायरेक्ट सेकंड जो हमने सॉरी uh, हमने किया नहीं अचीवमेंट मेथड एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन तो स्टेप डेविएशन की बात करेंगे एक क्वेश्चन करने के बाद यानी अभी क्लास में हम दो क्वेश्चन सोल करेंगे फर्स्ट हम सीखते हैं कि कॉन्टिन्यूस डेटा का एम यानी मेन डेविशन कैसे निकाल देता है अबाउट मेन देखो भाई हम बात करते हैं अब किसकी ग्रुप डेटा है लेकिन किस फॉर्म में है कॉन्टिन्यूस ठीक है ग्रुप डेटा दो टाइप का था लास्ट हमने बात की डिस्क्रिप्ट के लिए और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस कॉन्टीन्यूस बेस देखो जैसे जीरो से फोर अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया होगा ना तो आपने ये देखा होगा डिस्क्रिप्ट में क्या होता है कि उसने लिखा टू टू टाइम्स है देन फाइव एट टाइम्स है एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बता रहा था कि टू टू टाइम्स है एट टाइम्स है लेकिन अगर मेरे पास ऐसे हो 2.1 हो 2.2 हो 2.3 हो हो 2.4 ऐसे नंबर्स मिले तो मैं क्या करूं ठीक है तो यार अगर हर एक नंबर को लिख रहा हूं तो वो अनग्रुप डाटा जैसे ही हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए हमने बनाया था कॉन्टिन्यूस डेटा यानी जीरो से फोर के बीच में जितने भी नंबर होंगे चाहे वो जीरो हो चाहे वो थ्री हो चाहे वो टू हो चाहे वो टू हो सब जो है कितने टाइम्स हैं फोर टाइम्स हैं कोई भी नंबर हो सकता है डजेंट मैटर बट दे आर ऑफ फोर टाइम्स क्लियर सो जब मेरे पास डेटा जैसे ये तो मैंने बहुत आसान से क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको चीजें समझ में आए अगर मेरे पास नंबर्स बहुत बड़े होते हैं कि जैसे हंड्रेड टू हंड्रेड ऐसे भी तो मिल सकता है ना ठीक है तो उन चीजों के लिए हम कॉन्टीन्यूस डेटा या ग्रुप में कॉन्टीन्यूस डेटा बनाते हैं क्लियर ओके फर्स्ट थिंग क्लियर तो इसको मैंने हटा दिया समझ में आया कि डेटा मेरे पास क्या होता है अनग्रुप्ड होता है सिंपल नंबर लिखे मिलेंगे देन ग्रुप्ड होता है और ग्रुप में भी दो टाइप होता है एक डिस्क्रीट होता है कि सिंगल डिजिट की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी एंड द नेक्स्ट वन इज योर और इस में क्या होता है एक क्लास इंटरवल बना होता है ये जो लिखा हुआ क्लास इंटरवल जिसको हम सी आई से डिनोट करते हैं ठीक है तो ये एक सिंगल क्लास है इसको हम क्या बोलते हैं ये पर्टिकुलर क्लास है ठीक है होल इज क्लास इंटरवल एंड दिस पर्टिकुलर इज योर क्लास क्लियर ये जो छोटे वाला नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड दिस इज योर अपर लिमिट ऑफ द क्लास अपर क्लास लिमिट और lower क्लास लिमिट और क्लियर अपर लिमिट ऑफ द क्लास और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास चीजें क्लियर ऑप्शन ठीक है ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज जैसा था वैसा ही है <coughs> तो अब बात ये आती है <coughs> इसका मैं मीन कैसे निकालू क्योंकि अल्टीमेटली मुझे वहीं जाना है मीन डेविएशन अबाउट मीन ही निकालना है तो सबसे पहले चीज मुझे ये आनी चाहिए कि भी अगर मेरे पास कॉन्टीन्यूअस डेटा अगर है तो उसका मैं मीन कैसे निकालूं? तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे ये जो क्लास इंटरवल दिया होता था यहां से हम निकालते थे एक्स आई और से हम इसको बोलते थे क्लास मार्क्स ठीक है क्या निकालते थे क्लास मार्क्स और कैन से एक्स आई कैसे निकाला जाता है एक्स आई इज ए सिंपल एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है इट्स वेरी सिंपल जिसका भी निकालना है ठीक है तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय टू और वी कैन से मैं अपर और लोअर क्लास लिमिट की एक एवरेज वैल्यू निकाल देता हूं ठीक है जैसे और इसको एक तरह से मैं क्या बना रहा हूं डिस्क्रिक्ट ग्रुप डेटा बना रहा हूं डिस्क्रिक्ट ग्रुप डेटा सो जीरो प्लस फोर इज फोर और डिवाइडेड बाय टू करोगे तो क्या मिलेगा सर जीरो प्लस फोर डिवाइड बाई टू इट सिंपली फोर बाय टू मीन्स टू इसका मतलब यहां पर फर्स्ट में क्या आएगा दैट इज टू

फोर और एट के बीच में क्या आएगा सिक्स एट और ट्वेल्व के बीच में टेन ट्वेल्व और सिक्सटीन के बीच में फोर्टीन सिक्सटीन और ट्वेंटी के बीच में एटीन एटीन से टू कम करोगे सिक्सटीन मिलेगा और टू प्लस करोगे तो क्या मिलेगा ट्वेंटी सो दीज आर द एवरेज वैल्यूज ऑफ दिस क्लास इंटरवल्स पहली चीज क्लियर ओके द सेकेंड मैथड ये मेरा जो फॉर्मूला है ये हमेशा चलने वाली चीज है ठीक है कहीं पे भी हो कई बार यहां पे भी गड़बड़ हो जाती है किस चीज की गड़बड़ होती है एक चीज अगर आपने पढ़ी होगी टेंथ स्टैंडर्ड में दैट इज योर क्लास साइज ठीक है क्लास सावंध में आया क्या होती है ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो होती है मेरी क्लास होती है पूरे को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स अपर क्लास सॉरी लोअर क्लास लिमिट इस साइड अपर क्लास लिमिट इस साइड होती है क्लियर यहां तक ओके द नेक्स्ट थिंग इज योर क्लास साइज और जिसको हम एच से डिनोट करते थे इट्स सिंपली द डिफरेंस ऑफ अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट ठीक है तो अगर मैं बात करूं देखो फोर माइनस जीरो

तो अगर क्लास साइज सेम मिलता है ना तो सिर्फ आपको एक निकालना है पहला फोर प्लस जीरो फोर डिवाइड बाई टू टू पहला आने के बाद सिर्फ आपको ये फोर ऐड करते जाना है जो आपका क्लास साइज है ठीक है टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन फोरटीन प्लस फोर दैट इज एटीन क्लियर होप्स इट इज क्लियर सिंपल सी चीजें हैं पहले से आती है लेकिन फिर भी मे भी हो सकता है बच्चे भूल जाते हैं तो मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं चीजें <coughs> ठीक है तो यहां तक क्लियर क्लास साइज समझ में आ गया और एक्स आई कैसे निकालते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इससे आप कोई मतलब नहीं जैसे मैंने बोला कि कई बार हो जाता है कि क्लास साइज सेम नहीं मिलता ठीक है अगर क्लास साइज सेम नहीं मिलता है जो मेरा क्लास साइज वाला जो चीज मैंने आपको तरीका बताया उस वो यहां पे वर्क नहीं करता है फिर ठीक है फिर आपको यहीं जाना पड़ेगा तो दिस इज योर अल्टीमेट फॉर्मूला जो हर जगह वर्क करेगा या फिर इन दोनों का एवरेज लेते चलो ठीक है वही तो ये ले रहा है डायरेक्ट ले लो इनके बीच का नंबर जैसे मैं बात कर रहा था ठीक है तो वो आपको आना चाहिए दैट्स इट क्लियर ओके द नेक्स्ट थिंग इज अब मैं इस क्लास इंटरवल को भूल गया क्यों भूल गया क्योंकि भाई इसी से मैंने ये बना लिया तो अब अगर मैं इस क्लास इंटरवल को ना देखूं सिर्फ मैं इन दोनों चीजों को देखूं तो आपको क्या समझ में आता है सर ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है जहां पे हमने डिस्क्रीट डेटा किया था दैट बिकम योर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा सो अब इसका मेन वैसे ही निकालना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन का निकाला था तो निकालो फटाफट से कैसे निकालना है? सर पहले निकालेंगे इसका सबमिशन निकालो सर यानी निकालो क्या करो सब सिक्स सिक्स ट्वेल्व ए ट्वेंटी कैरी टू फाइव 30, ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू थर्टीशन ऑफ एक्स आई एफ आई इज टू थर्टी टेन ट्वेंटी ट्वेंटी क्या था मेरा फॉर्मूला समिशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड ऑफ़ fi. ऑफ एफ आई दिस यूर टू थर्टी डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव ठीक है ट्वेंटी फाइव नाइन जै टू टू फाइव इज फाइव फिफ्टी मीन्स पॉइंट टू सो नाइन पॉइंट टू इज योर मीन फॉर दिस वन होप शो इट इज क्लियर ठीक है भाई सो so, ये क्या गया मेरा मीन अब मुझे क्या निकालना था नेक्स्ट स्टेप इज योर डेविएशन यानी मुझे निकालना था एक्स आई माइनस एक्स बार और अब मैं डायरेक्टली मोड लगा के निकालता हूं ठीक है, जैसे मैं आपको अभी तक क्या कर रहा था पहले इसको अलग निकालते थे फिर मोड लगाते थे ठीक <coughs> है? इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ डिफरेंस निकालूंगा और साइन उसका नहीं लिखूंगा ये है। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी के दिमाग में ऐसे करने का तो बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कहीं मार्क्स नहीं कटेगा आपका सिंपली तो एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स आई क्या है एक और ये एक्चुअली में नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन मैंने मोड पहले लगा दिया तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. दियाट सेवन पॉइंट एट ऑप्शन कर दी क्या यस दिस इज एट पॉइंट एट नॉट से ओके सो दैट्स इट क्लियर क्लियर होप इज अब मुझे फॉर्मूले के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं सर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए दैट इज योर मोड ऑफ माइनस एक्स बार ठीक है तो ये स्टेप जो मैंने बीच को बताया वो स्किप कर सकते हो आप कि मैं डायरेक्टली मोड लगा लू यानी मुझे साइन नहीं लगा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया एफ आई सो देखो अब ध्यान देने वाली बात है ये मैं टेंशन जाता था इससे मैंने ये बनाया ठीक है तो इसको मैंने काटा मार दिया अब इसकी ट्विशन में जरूरत नहीं है ठीक है अब मेरे पास ये था एक्स आई फिर एक्स आई एफ आई मैंने निकाला तो ये काम हो गया तो इस एक्स का आई का काम फिर से खत्म ठीक है एक्स <coughs> बार निकाला तो मेरा मेन का काम खत्म अब नेक्स्ट चीज क्या क्या बचती है मेरे पास फ्रीक्वेंसी बची हुई है और एक्स आई माइनस एक्स बार बचा हुआ है तो अब मुझे इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई फिर से करो तो फोर इंटू सेवनटी टू फोर टू जे एट फोर सेवन जे ट्वेंटी सॉरी सिक्स टू जे ट्वेल्व कैरी वन

अब मुझे क्या चाहिए मुझे निकालना है मेन डेविशन अबाउट मीन तो होब आप सभी जानते हो यहां लिख देते हैं मीन डेविशन अबाउट मीन ठीक है क्या होगा समिशन ऑफ एफ आई इन टू एक्स आई माइनस एक्स पार के ऊपर मोट डिवाइड बाई समिशन ऑफ एफ आई इक्वल टू दिस सिंपली नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाय क्या दिस इज ट्वेंटी फाइव सिंपली करो डिवाइड क्या आएगा टी फाइव थ्री जावी फाइव ट्वेंटी सो इजी दट निकालना हमें पहले से आता है मेन डेविएशन एक छोटी सी चीज हमने ऐड की है तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की जहां पे हम मीन निकालने का जो मेथड है स्टेप डेविशन मैथड होप्सू आपको आता है ठीक है अगर आपको आता है तो उसमें कोई नई बात नहीं है ठीक है अगर थोड़ा रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो साथ में ठीक है अदरवाइज आप खुद से ट्राई कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं नेक्स्ट और वहां से हम निकालते हैं मेन डेविएशन अबाउट मीन बट मीन हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड क्लियर इट्स ओके क्वेश्चन लिख दिया मैंने तो हम क्या निकालने में अगेन हमें एम डी निकालना है मेन डेवेशन अबाउट मेन और फ्रॉम मेन ओके बट यहाँ पे एक नई चीज़ हम करने वाले हैं कि जो मेन निकालेंगे हम सिर्फ मेन जो निकालेंगे वो स्टेप डावेशन मेथड से निकालेंगे दैट इज द ओनली डिफरेंस ठीक है बाकी एम डी यानी मेन निकालने के बाद जो प्रोसीजर था वो सेम रहेगा जैसे हम पहले कर रहे थे वैसा ही अभी रहेगा क्लियर द फर्स्ट थिंग जैसे ही ये दिखे सबसे पहला काम मुझे होना चाहिए कि मुझे एक्स आई निकालना है कैसे निकालते इन दोनों का एवरेज तो वन फोर्टी का एवरेज होगा 145 ठीक है फॉर्मूले से निकाल लेना चाहे निकाल अब इनका क्लास साइज क्या दिख रहा है मुझे सब दिख रहा है सर डिफरेंस क्या है सबके बीच में टेन है तो टेन एड करते चलो यू गेट वन फिफ्टी फाइव वन सिक्सटी फाइव वन सेवनटी फाइव वन एटी फाइव एंड वन होप शो इट इज क्लियर ठीक है अब मेरा स्टेप डेविशन मेथड जो होता था वहां पे एक नई चीज आती थी दैट इज यू ये क्या होता था इट्स सिंपली xi minus a divided by h xi हम सब जानते हैं दिस इज योर xi h भी हमें पता है दैट इज योर क्लास साइज बाकी बचा a ये a क्या है a इज योर सिंपली अज्यूम्ड मीन क्या है मेरा अज्यूम मीन है ठीक है मतलब सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो मेरा xi है इसमें से कोई भी एक वैल्यू को मैं मान लेता हूं कि ये मेरा मीन है एक मिनट के लिए मैंने एवरेज वैल्यू ले ली यही है ठीक है अब ये यू कैलकुलेट कैसे करते हैं सिंपल सा तरीका देखो इसके सामने लिख दो जीरो ऊपर लिख दो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एक और नंबर होता तो माइनस फोर सिमिलरली नीचे प्लस तो नीचे प्लस ऊपर माइनस लिखना है ठीक है आया कैसे सिंपल इस फॉर्म में वैल्यूज पुट करके देख लो कोई भी एक वैल्यू जैसे मैंने लिखा वन पहली वैल्यू ए तो मेरा फिक्स है क्योंकि मैंने ये माना है दैट इज यू वन सेवेंटी एच बी फिक्स है दैट इज टेन कैलकुलेट करो यू गेट माइनस टेन डिवाइड बाई माइनस थर्टी डिवाइड बाई टेन मीन्स माइनस थ्री Similarly, 155 यहां रखो 2, sure. so, <coughs> यहां रखोगे तो क्या हो ठीक है? तक चीजें okay. उससे पहले मैं फॉर्मूला बता दूं कि एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या है किसके लिए स्टेप डेविशन मेथड के लिए वो तो आ गया क्या है जो मैंने xi में एक मीन को एज्यूम किया है

दिस इज फोर्टी फिफ्टी हो जाएगा ठीक है क्लियर दैट्स इट सो मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है एफ आई यू आई अब कैलकुलेशन देखो अगर मैं डायरेक्ट मैथ लगा था फोर को मुझे वन फोर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करना था अब मुझे फोर को माइनस थ्री से करना है माइनस का ट्वेल्व माइनस का ट्वेल्व टेन टू माइनस वन माइनस का टेन एटीन इंटू जीरो इसका तो मैंने काम ही खत्म कर दिया नाइन वन जा नाइन थ्री टू जा सिक्स देखो कितनी कैलकुलेशन आसान हो गई प्लस का फिफ्टीन है

इन टू एच मींस टेन जीरो वन सेवनटी फाइव प्लस माइनस इट इज माइनस फोर से डिवाइड करो क्या फोर थ्री जा फोर एट जा थ्री पॉइंट एट सब टेट करो यू गेट सेवनटी वन पॉइंट टू होप श्योर इट इज क्लियर ठीक है पॉइंट टेन सेवनटी फोर सेवनटी वन ठीक है That's your mean. यही नई चीज थी तो मैं आपको बताना चाह रहा था इसके बाद का प्रोसीजर सेम है जैसे पहले था ठीक है सेम वही आपको निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार सेम फिर आप निकालोगे बार ठीक है इसका जो भी सम आएगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे FI से मतलब इससे दैट्स इट निकालने का प्रोसीजर चेंज नहीं होगा तो होप खूबश्यो आप यह कर सकते हो होप खूबशो अब कोई डाउट नहीं है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने में ठीक है तो ये फर्स्ट क्लास थी हमारी स्टैटिस्टिक्स की क्लास इलेवंथ के लिए सी चीजें क्लियर है कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अभी के लिए इतना इनफ है अभी के लिए थैंक यू